हेलो गाइस, वेलकम टू टेकिया सुरी यूट्यूब चैनल। और गाइस, जैसे कि आप सभी को पता है, सैमसंग अपना एक मिड रेंज कैटेगरी में एक 5G स्मार्टफोन इंडिया में बहुत ही जल्दी लॉन्च करने वाला है, जिसका नाम रहेगा यहां पर सैमसंग गैलेक्सी M42 5G स्मार्टफोन। फाइनली इसकी ऑफिशियल इंडिया लॉन्च डेट यहाँ पर कन्फर्म हो चुकी है। पूरे स्पेसिफिकेशन मैं आपको यहाँ पर आज की स्टूडियो में बताने वाला हूँ, एंड इंडिया में क्या प्राइस पॉइंट पे लॉन्च होने वाला है वो भी सारी चीजें बताने वाला हूँ रिगार्डिंग सैमसंग गैलेक्सी M42 5G स्मार्टफोन। तो कर देना वीडियो को लाइक, का लाइक का टारगेट रखते हैं 3000 लाइक्स का। आई होप कि आप अप कर दोगे। सो गाइस, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं यार, कल हमने एक बहुत ही धमाकेदार वीडियो डाले थे, मतलब 19 अप्रैल से लेकर 28 अप्रैल के बीच में 11 स्मार्टफोन्स इंडियन मार्केट्स में लॉन्च होने वाले। तो कौन से स्मार्टफोन है, क्या प्राइस पॉइंट पे लॉन्च होंगे, हर एक ब्रांड के स्मार्टफोन के बारे में बताया हूं। वीडियो नहीं देखे हो जरूर से चेकआउट कर लेना। वैसे वीडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट में दे दिया हूं, ये वीडियो देखने के बाद आप वीडियो को जरूर से चेकआउट कर सकते हैं। अब बात करते हैं यहां पर गैलेक्सी M42 स्मार्टफोन के बारे में। तो इंडिया लॉन्च की अगर हम बात करें तो ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है 28 अप्रैल, या आप बोल सकते हो 28 ऑफ अप्रैल को यहां पर ये स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च होने वाला है। अगेन, ये भी आपका Amazon एक्सक्लूसिव रहेगा, ऑलरेडी Amazon पे इसका लैंडिंग पेज वगैरह यहां पर आ चुका है। तो चलिए गाइस, ये स्मार्टफोन के फटाफट से मैं आपको पूरे स्पेसिफिकेशन यहां पर बता देता हूं। उससे पहले आपको बता दूं, कुछ महीने पहले जो है Samsung ने अपना Samsung Galaxy A42 5G स्मार्टफोन जो है ग्लोबल मार्केट्स में लॉन्च करा था। इंडिया में लॉन्च नहीं हुआ था, इंडिया में वही स्मार्टफोन को रीब्रांड करके M42 5G के नाम से बेचा जाएगा। तो जो ग्लोबल मार्केट्स में A42 5G है, इंडिया में उसका नाम रखा जाएगा M42 5G। बाकी पूरे के पूरे स्पेसिफिकेशन, लुक्स वगैरह, हर एक चीज जो है आपको दोनों स्मार्टफोन पे आइडेंटिकल देखने को मिलेगी। चलिए, अगर आपको स्पेक्स नहीं पता तो मैं सारी चीजें बताने की आपको कोशिश करता हूं। बिल और डिजाइन की अगर हम बात करें तो अगेन यहां पर भी आपको ग्लॉसी टाइप का बैक पैनल देखने को मिलता है, प्लास्टिक का बनाया गया है, दिखने में वही टिपिकल सैमसंग का बैक पैनल दिखता है, वैसे कुछ देखने को मिलता है। डिस्प्ले की अगर हम बात करें तो यहां पर आपको 6.6 इंच का एक वाटर ड्रॉप नॉच वाला डिस्प्ले मिल जाता है। साथ ही में ये सुपर एमोलेड पैनल जरूर है, लेकिन यहां पर एक शॉकिंग चीज ये है कि जो डिस्प्ले का रेजोल्यूशन है वो आपको यहां पर HD प्लस का देखने को मिलने वाला है। 720p डिस्प्ले रहेगा, 60Hz से कोई हाई रिफ्रेश रेट आपको देखने को नहीं मिलता है, बहुत ही शॉकिंग चीज है। फुल HD डिस्प्ले यहां पर होना चाहिए था, लेकिन HD प्लस का रेजोल्यूशन आपको देखने को मिलने वाला है। रैम रोम की अगर हम बात करें तो इंडिया में बताया जा रहा है दो वेरिएंट में लॉन्च होगा, 6128 और 8128। यहां पर आपको हाइब्रिड सिम स्लॉट देखने को मिलेगा, UFS 2.1 स्टोरेज टाइप और LPDDR4X वाला रैम टाइप भी देखने को मिलने वाला है। अब बात करते हैं यहां पर ये स्मार्टफोन के हाइलाइटिंग फीचर के बारे में, जो कि इसकी परफॉर्मेंस, प्रोसेसर आप कुछ भी बोल सकते हो। यहां पर आपको स्नैपड्रैगन का 750G वाला चिपसेट मिलेगा, जो कि एक 5G चिपसेट है, काफी पावरफुल है, एंड Samsung ने ये प्रोसेसर अपने स्मार्टफोन पे इस्तेमाल करा, काफी बढ़िया लगा। थैंक गॉड कि वो Exynos वगैरह प्रोसेसर से हम यहां पर बच चुके हैं, एंड Samsung को समझ आ गई है कि भाई लोगों को आज की डेट में परफॉर्मेंस मतलब मैटर करता है, और 5G का भी यहां पर आपको सपोर्ट देखने को मिलता है, जो कि काफी बढ़िया बात है। कैमरास की अगर हम बात करें तो यहां पर आपको बैक में क्वाड कैमरे का सेटअप मिलने वाला है। जो प्राइमरी सेंसर रहेगा वो आपका 48 मेगापिक्सल का है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा है, 5 मेगापिक्सल का मैक्रो है, 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है। सेल्फी के लिए यहां पर आपको 20 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा। साथ ही में एंड्रॉइड वर्जन और UI की अगर हम बात करें तो आउट ऑफ द बॉक्स आपको एंड्रॉइड 11 मिल जाएगा, UI 3.1 पे यहां पर ये रन करेगा, नॉक सिक्योरिटी मिल जाएगा, Samsung पे का ऑप्शन मिल जाएगा, वन टेक और ये सारी चीजें आपको मिल जाएगी। साथ ही में अगर हम सेंसर्स की बात करें तो यहां पर आपको सारे सेंसर देखने को मिल जाएंगे, एंड पहली बार M सीरीज में यहां पर आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलेगा, जो कि बहुत ही सही बात है। साथ में फेस अनलॉक का फीचर रहेगा, 3.5 हेडफोन जैक का सपोर्ट है, एंड बॉटम फायरिंग सिंगल स्पीकर आपको देखने को मिलने वाला है। बैटरी लाइफ की अगर हम बात करें तो यहां पर आपको 5000mAh की बैटरी मिलेगी टाइप सी पोर्ट के साथ में, एंड अगेन बॉक्स में जो आपको 15 वॉट का फास्ट चार्जर, सो कॉल्ड Samsung जो कहता है, वो आपको देखने को मिलेगा। तो ये पूरे कंप्लीट स्पेसिफिकेशन आपको Samsung Galaxy A42 5G स्मार्टफोन के मिलते हैं, क्योंकि इंडिया में M42 5G के नाम से बेचा जाएगा। अब बात कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज के बारे में, भाई क्या प्राइस पॉइंट पे यहां पर ये स्मार्टफोन इंडिया में बिकेगा। तो बताया जा रहा है जो इसका बेस वेरिएंट है 628, इंडिया में स्टार्ट होने वाला है लाइक अराउंड 24,000 रुपीज के आसपास, मतलब 23,999
₹29 बताया जा रहा है बेस रेंट के लिए इंडिया में रखा जाएगा। तो ओवरऑल अगर आप प्राइस पॉइंट देखते हो, सैमसंग की ब्रांड वैल्यू और बाकी की सारी चीजें देखते हो 5G के साथ में 750G वगैरह, तो फोन यहाँ पर काफी डिसेंट लग रहा है। लेकिन सिर्फ एक चीज की यहाँ पर मुझे दिक्कत लग रही है, वो है इसके डिस्प्ले को लेके। यार ₹25,000 की रेंज के स्मार्टफोन में HD डिस्प्ले वो भी 60Hz के साथ में यार हजम नहीं हो रहा है। अब आई होप सो फिंगर क्रॉस, लेकिन 90% तो कंफर्म है कि HD प्लस ही इंडिया में आपको देखने को मिलेगा। आई होप सो कि सैमसंग इसे अपग्रेड करके अगर फुल HD कर देता है तब तो यहाँ पर ये स्मार्टफोन काफी सही डील यहाँ पर आगे चल के बन सकती है। अब टोटली यहाँ पर सैमसंग पे डिपेंड करता है, HD डिस्प्ले थे फुल HD देते, अब देखते हैं वैसे आगे चल के हमें पता लग जाएगा। वैसे आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ये अगर सिमिलर स्पेसिफिकेशन के साथ में ये स्मार्टफोन इंडिया में ₹24,000 की प्राइस पॉइंट पे आता है तब आप क्या ये स्मार्टफोन की तरफ जाओगे नहीं जाओगे, मार्केट में आपको इससे बेटर ऑप्शंस मिलते, जो भी आपके ऑनेस्ट ओपिनियन है मुझे बताना नीचे कमेंट्स में। सो आई होप कि हम सबको वीडियो पसंद आई होगी, एंड कर सके आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूं आपसे अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।